प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को सर्किट हाउस के सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में एडी बेसिक डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी, बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कभी भी स्कूल खुल सकते हैं, इसलिए सभी तैयारी चुस्त दुरुस्त रखें, शिक्षा के स्तर को सुधारें। मंत्री ने कहा कि स्कूल बंद होने के कारण मिड डे मील योजना के तहत वितरित होने वाले खाद्यान्न की धनराशि को छात्रों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, रूटीन समीक्षा बैठक गोरखपुर मंडल की हमने की है। बहुत सारी योजनाएं जो विभाग की चल रही हैं, ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है लगातार, बहुत सारे कई जिलों में 80%, कहीं 70%, कहीं इससे अधिक भी विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है। थोड़ी उनकी समीक्षा करनी थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनके वेतन भुगतान की स्थिति जानना चाह रहे थे, जो ट्रांसफ़र होकर दूसरे ज़िलों से अध्यापक आए थे उनके वेतन भुगतान की स्थिति, तो सभी हमारे गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों की स्थिति अच्छी है, कायाकल्प की प्रगति अच्छी है, सभी नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा रहा है, सभी स्थानांतरण से आए हुए शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा रहा है। स्कूल खुलने के आदेश कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि कक्षा 9 से 12 के और डिग्री सेक्शन को खोलने के आदेश दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार रहे ताकि जब भी बच्चे आना शुरू करें तो उनका पठन पाठन शुरू हो सके, इसी दृष्टि से एक समीक्षा बैठक रखी थी आज गोरखपुर मंडल की। मिड डे मील योजना में जो खाद्यान्न वितरण था और बच्चों को देना था, कुछ खाते में देना था, बैंक क्या है? हाँ, स्कूल बंद है, स्कूल जब चलता था तो भोजन बनता था, बच्चे भोजन करते थे, लेकिन कोरोना के कारण जब से स्कूल बंद हैं तो प्रति बच्चे के हिस्से का, प्रतिदिन का जो अनाज होता है वो हम उनके अभिभावकों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाते हैं, और जो कन्वर्जन कास्ट होता है, जो भोजन बनाने का खर्चा होता है, वो भी उन बच्चों के अभिभावकों के खाते में सीधे भेज रहे हैं।